व्यूअर्स, डेंटल रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो युवाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपकी स्थिति भी वैसी है कि जैसे इस सवाल में है कि मेरे 6 दांतों में फिलिंग कराई गई है और 2 दांतों में मेरे जो है वो 2 दांत मेरे आर्टिफिशियल हैं, कुल मिलाकर मेरे 8 दांत हेल्दी हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। तो यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन का पहला पॉइंट ले लेते हैं कि अगर आपने अपने दांतों में लाइट क्योर फिलिंग या फिर GIC फिलिंग कराई है तो वो मेडिकल में एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं नकली दांतों की, कि अगर किसी भी स्टूडेंट के ऐसे दांत हैं जो कि नकली हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल हैं। जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे 2 दांत नकली हैं, जो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे नहीं होंगे, तो उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि कौन से दांत एक्सेप्टेबल हैं कौन से नहीं। नकली दांत में कई तरीके के होते हैं, एक फिक्स दांत भी होते हैं जिन्हें आप कहते हैं हो सकता है ये एक्सेप्टेबल हो जाए, एक होते हैं डेंचर जो बाहर निकल जाते हैं जिन्हें आप कभी भी लगा सकते हैं निकल जाते हैं, तो ये दोनों तरीके के दांत जो फिक्स भी हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। कैसे फिक्स? फिक्स में ध्यान रखिएगा तो फिक्स 2 तरीके के होते हैं, एक इम्प्लांट होते हैं एक फिक्स बोले जाते हैं। तो जो इम्प्लांट होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, फिक्स जिसको आप कहते हैं जो कि लगा दिए हैं ऊपर से दांत बनाए हैं और ऐसे ही जो बीच में जो गैप है जिसे हम ब्रिज बनाकर जो फिक्स कर दिए जाते हैं, अगर वो इस तरीके से लगे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ इम्प्लांट एक्सेप्टेबल होंगे जो कि ऐसे लगाए जाते हैं जैसे कि नेचुरल टीथ होता है, यानी मसूड़े की गहराई में उसको पहले उसको फिट किया जाता है, उसकी जड़ बनाई जाती है और उसके बाद फिर उस दांत को फिर वहाँ पर प्लेस किया जाता है। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है और उसके बाद वो दांत लगता है। ये जो फिक्स दांत आमतौर पर कहे जाते हैं ये वो होते हैं जिसे हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज में फिक्स दांत लगते हैं। तो अगर ऐसा दांत आपका लगा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर इम्प्लांट है जिसको अंदर मसूड़े के अंदर उसको इम्प्लांट किया गया है जैसे कि नेचुरल टीथ होता है उस तरीके से, तब वो आपका एक्सेप्टेबल है। और दूसरा जो निकल जाते हैं लग जाते हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये दांत आपके लगे हैं तो जिस भी जगह पर लगे हैं उसके जितने भी पॉइंट बनते हैं वो उतने माइनस हो जाएंगे, आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि जो बाकी के आपके सारे दांत हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि अगर जो कुछ दांतों में आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आपके नंबर इतने कम ना हो कि जो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। दांतों को कितने नंबर दिए जाते हैं वो हम ऑलरेडी पहले पुराने वीडियो में बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप पीछे हमारे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पर स्क्रॉल करिए, नीचे आपको मिल जाएगा कि किस दांत को कितना नंबर दिया जाता है। वहां एक्सपर्ट से भी हमने आपकी बात करवाई थी, उनसे पूछा था कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस दांत को कितने नंबर मिलते हैं, वहां अच्छे से एलोब्रेट किया गया है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आज 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमारे दांत में कोई भी फिलिंग है तो वो अच्छी फिलिंग होनी चाहिए जिससे कि आगे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, और दूसरी बात कि अगर हमारे दांत नकली हैं तो उसमें जो सिर्फ इम्प्लांट है वही हमारा एक्सेप्टेबल होगा, इम्प्लांट में ही नंबर हमें पूरे मिलेंगे जैसे कि एक स्वस्थ दांत को मिलते हैं, लेकिन बाकी जो फिक्स दांत होते हैं या फिर निकलने वाले दांत होते हैं उसमें हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा अपने मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले कि इस तरीके की अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उसको ध्यान रखें और उसको पहले ही प्रियर एक बार डॉक्टर से कहीं पर भी जाकर चेकअप ज़रूर कराएँ। एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि मोस्टली लोगों के दांतों में प्रॉब्लम तो नहीं होती है लेकिन फिर भी पायरिया या फिर दांतों में बदबू आना या फिर दांतों से हल्का टैटर जमा होना, ये भी एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से कभी कभी आपको रीमेडिकल के लिए लिख दिया जाता है। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले ही क्लियर करा के जाएँ, एक बार किसी डॉक्टर से मिल लें और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसे पहले सही करा लें, पहले दिखा लें, पहले दांत साफ़ करा लें, उसके बाद ही मेडिकल में जाएं, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी जो भी मेडिकल की स्थितियां हो उससे आप सामना कर सकें और आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।